इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पहले पूछा जाता है कि पहलवान जमा जलगांव में
यहाँ तक काम पहुंचा। शर्म आती थी कि काम नहीं है, काम बंद है, तो उन्होंने जो एक बेड़ा उठाया, उन्होंने मेरे पास आए, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बड़ी जमात आपको थोड़ा दाऊ मिलेगी और तीनों जमात मिलकर काम करेंगे। तो सफर से कहना पड़ता है, मैंने लगता दौरा में मीटिंग होती थी, बाइक पे बहुत सारे लोग आते थे, साइकिल पे आते थे, जब मैं आया था कारों में नहीं लगे। अल्लाह हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में और हमारे बड़ों में मेहनत की है और आज ये मकाम पर खड़े हैं। और मुझे परसों भी कहा गया था कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट के जितना वगैरह आपको मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले अपने मालिक में एक दो बच्चों ने मीटिंग ली, उसके अंदर एडवाइस कमेटी बनाई गई और एडवाइस कमेटी के ऊपर रहेंगी और उसके अंदर बहुत लोगों का बच्चों का रहता है कि नए चेहरे ला जाए, नए चेहरे लेके आओ और काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। काम करने वालों को सुनना, जैसे कि मौलाना बता है, इसके अंदर दो तीन बातें जो बता है वो बहुत प्यारी और अल्लाह को राजी करने वाली जो चीज है। जमात के सदर जो होते हैं वो सबको लेकर चले हैं, अपने बिरादरी के बारे में सोचे उनका हाल चाल पूछो और उनके आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो उनको पैसे से मतलब मत करो, उनको दूसरे रास्ते से धंधे में लाना और उनको क्या गाइडेंस करना ये पता था जब अपने को बात मुझे याद आती है। और दूसरी बात, अभी जो मौलाने बताए कि खुलूस दिल से काम करना और थोड़े बात है, परसों जी की मीटिंग में बोला गया कि जमात किस लिए बनाई जाती है, जमात हर बागवान बनाती और उसके साथ में सिर्फ बागवान बना देने के लिए सारे मुसलमानों का भला करने के लिए एक जमात बनाई गई। अभी मौलाना बता रहे कि जो मालदार लोग हैं अपनी सरकार अपना जो भी है वो दूसरों को देते हैं, मगर अपने भाई या आपके फ्रेंड या आपके रिश्तेदार जो गरीब रहते हैं उनके ऊपर दूसरी बात, अभी एक एडवाइस कमेटी है हमारे मणिपुर है और उसके बाद में परसों हमने मार्केट में मैंने अपनी राय रखी थी कि 17 लोगों की एक कमेटी चुनी जाए और 17 लोगों में से ऊपर की जो 5 की टोकरी होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, खजांची और नए तो इसके अंदर
ఆ మేనేజింగ్ డిప్యూటీ
Yeah.
Yeah.